हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्लोरिकल्चर फॉरिकल्चर माई सेल्फ अवनव रिसर्च स्कॉर ऑफ लैंडस्केपिंग लैंडस्पिंग नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी अयोध्या से फ्रेंड्स सबसे पहले तो मैं आपको सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि कुछ एक्सीडेंट की वजह से मैं वीडियोज़ को अपलोड नहीं कर पा रहा था बट मैं अब सही हो गया हूँ मैं अब आपको टाइमली वीडियोज़ को दूंगा तो फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक है हमारा वो है लॉन डेवलपमेंट से तो लॉन्ड डेवलपमेंट के अंदर फ्रेंड्स हम लोग लॉन के इस्टेब्लिशमेंट से लेके उसके मैनेजमेंट तक की हर एक जानकारी के बारे में फुल्ली डिस्कस करेंगे तो फ्रेंड्स जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में भी हम लोग इसमें साथ साथ बीच बीच में जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको भी डिस्कस करते चलेंगे क्योंकि इसमें बहुत से ज़्यादा क्वेश्चन एम पूछे जाते हैं एग्जाम्स में तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स ये लॉन डेवलपमेंट का पार्ट वन है जिसके अंदर हम इसको लॉन को इस्टेब्लिशमेंट करने के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और लॉन्ड के मैनेजमेंट के लिए हम पार्ट टू बनाएंगे जिसमें हम लॉन के मैनेजमेंट की बात करेंगे तो फ्रेंड्स तो चलिए शुरू करते हैं जानते हैं किस तरह से हमारा लॉन एस्टेब्लिश होता है व्हाट इज लॉन कैन बी डिफाइंड एज द ग्रीन कार्पेट फॉर ए लैंडस्केप इट इज अ बेसिक फीचर फॉर होम ग्राउंड डेवलपमेंट एंड एसेंशियल फीचर फॉर एनी अदर टाइप ऑफ गार्डन फ्रेंड्स एक लान को हम परिदर्श यानी लैंडस्केप के लिए ग्रीन कालीन के रूप में परिभाषित कर सकते हैं ठीक है यह होम ग्राउंड विकास के लिए एक बुनियादी विशेषता होती है क्योंकि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर होता है और इसके अन्य प्रकार के बगीचों के लिए भी आवश्यक माना जाता है अ लॉन इज ए एरिया ऑफ सॉइल कवर्ड लैंड प्लांटेड विद ग्रासेस एंड अदर ड्यूरेबल प्लांट्स सच एज क्लोवर विच आर मेंटेन एट अ शॉर्ट हाइट विद अ लॉन मूवर एंड यूज फॉर स्थेटिक परपजेज एंड रिक्रिएशनल परपजेज फ्रेंड्स जो एक लॉन होता है वो मिट्टी से ढकी हुई एक भूमि का क्षेत्र होता है जिसमें घास या अन्य टिकाऊ पौधे जैसे क्लोवर लगाए जाते हैं और इनको एक कम ऊंचाई पर यानी एक समान ऊंचाई पर मेंटेन किया जाता है जिससे ये देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं और इनका उपयोग सौंदर्यीकरण और मनोरंजन के लिए किया जाता है नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ आल्सो नोन एज ए हार्ट ऑफ गार्डन फ्रेंड जो लॉन होता है उसको हार्ट ऑफ गार्डन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो लॉन होता है वो एक गार्डन का मेन अट्रैक्शन होता है इसलिए उसको इसलिए इसको हार्ट ऑफ गार्डन कहते हैं नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज अ इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ अ लैंडस्केप एंड ग्राउंड विदाउट अ लॉन इज नॉट कंसीडर कंप्लीट फ्रेंड्स लॉन जो होता है वह लैंडस्केप का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है और जिस गार्डन में लॉन नहीं होता है उसको गार्डन एक कंप्लीट गार्डन नहीं माना जाता है नेक्स्ट पॉइंट इज लॉन आर यूजली यूजोज ओनली ऑफ ग्रास सब्जेक्ट टू वीट एंड पेस्ट कंट्रोल मेंटेन इन अ ग्रीन कलर एंड आर रेगुलरली मूवड एंड इंश्योर एंड एप्सेप्टेबल लेंथ फ्रेंड्स लॉन को आमतौर पर एक प्रकार की घास की प्रजाति से बनाया जाता है इसमें वीट और पेस्ट के नियंत्रण के अधीन होते हैं या हरे रंग में बनाए जाते हैं जिसको एक कलर में मेंटेन करने के लिए रेगुलर वाटरिंग करनी चाहिए जिससे येल्लो पर ना आ पाए और एक कलर की हमारी घास मेंटेन रहती है ठीक है फ्रेंड्स और इनको एक समान ऊंचाई पे मूवर के थ्रू मेंटेन किया जाता है सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट एरिया ऑफ गार्डन शुड बी डिवाइडेड टू लॉन साठ से पचहत्तर एरिया जो होता है वो लॉन के लिए डिवाइड कर देना चाहिए अब फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो है विच ऑफ फॉलोइंग इज कंसीडर एज द हार्ट ऑफ गार्डन जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया कि हार्ट ऑफ गार्डन किसे कहते हैं लॉन को हार्ट ऑफ गार्डन कहा जाता है फ्रेंड्स ये हमेशा याद रखिए बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है हार्ट ऑफ गार्डन के नाम से ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है तो आप लोग इसको दिमाग में फीट रखिएगा कि हार्ट ऑफ गार्डन जो होता है वो लॉन होता है ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं कम दो दिन नेक्स्ट स्लाइड स्लाइड सिलेक्शन द सेलेक्टेड साइट फॉर द मेकिंग लॉन शुड बी गेट फुल सनलाइट एंड द बेस्ट सिचुएशन इन द सर्दन साइड ऑफ द हाउस फ्रेंड जो साइट का सिलेक्शन करते हैं तो साइड का सिलेक्शन करते वक्त हम लोगों को कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है जिसमें से पहला पॉइंट हमारा ये बनता है कि जब हम लॉन बनाने के लिए चाइनीज साइट को चॉइस करते हैं तो ऐसे स्थान का चॉइस करना चाहिए जहाँ पे सूर्य का प्रकाश फुल मिलना चाहिए और सबसे अच्छी स्थिति इस इसकी इस दक्षिण दिशा की ओर

हैंस इट इज डिजायरेबल दैट नो बिग ट्री शुड बी एग्जिस्टिंग इन द साइट सेलेक्टेड फ्रेंड्स पेड़ों की सूखी पत्तियां लान घास पे गिरती हैं जिससे लान गंदा हो जाता है इसलिए यह जरूरी है कि चाइनीज स्थल पर कोई बड़ा पेड़ नहीं होना चाहिए नेक्स्ट पॉइंट इज सेलेक्टेड ट्री शुड बी प्रोवाइडेड ड्यूरिंग समर फॉर सिटिंग एंड शुड नॉट अफेक्टिंग द लॉन फ्रेंड्स लॉन में ऐसे पेड़ों पेड़ों का सिलेक्शन करना चाहिए जो गर्मी के टाइम में हमको सेट प्रदान करें यानी छाया प्रदान करना चाहिए और लॉन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना पत्तियों को गिराना चाहिए नेक्स्ट पॉइंट इज सॉइल मॉइस्चर कैपेसिटी एंड ड्रेनेज आर वेरी इंपॉर्टेंट पुअर ड्रेनेज सॉइल विल पेरिश एंड हाईली पोर सॉइल फ्रिक्वेंट इरीगेशन मतलब कि फ्रेंड्स मिट्टी की नमी की क्षमता और जल निकास बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और खराब सूखी मिट्टी में घास नष्ट हो जाती है और हाईली पोरस में हमको लगातार पानी देना पड़ता है कम टू दाइट इन इंडिया द मोस्ट कॉमन लॉन ग्रास साइना डॉन डाइल इज अ वेरी हार्डी एंड कैन बी ग्रो इन एनी टाइप ऑफ सॉइल बट टू अ मोर लग्जरियस लॉन इट इज डिजायरेबल टू द हैव अ फर्टाइल कंटेन इनफ ह्यूमस भारत में आमतौर पर घासों में धूप घास को सबसे ज़्यादा उगाया जाता है क्योंकि बहुत ही हार्डी नेचर की क्रॉप होती है बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है और इसको किसी भी प्रकार की मि मिट्टी में या मृदा में उगाया जा सकता है लेकिन सबसे शानदार लान प्राप्त करने के लिए पर्याप्त उपजाऊ मिट्टी वाली मिट्टी और दोमट मिट्टी का होना ज़रूरी होता है जिसमें इनफ ह्यूमस होना चाहिए नेक्स्ट पॉइंट इज द स्वाइ शुड रिटेन इनफ मॉइस्चर एंड ऐट द सेम टाइम दुड ऑल्सो बी एडिक्यूट फ्रेंड्स मिट्टी को पर्याप्त नमी बनाए रखना चाहिए और साथ ही इसकी जल निकास की पर्याप्त तो व्यवस्था होनी चाहिए द आइडियल पीएच रेंज इज फाइव पॉइंट फाइव टू सिक्स पॉइंट जीरो इफ़ द पीएच इज़ वेरी लो अबाउट हाफ किलोग्राम ऑफ चौक एंड ग्राउंडेड लाइम स्टोन शुड बी एडेड पर स्क्वायर मीटर एरिया ऑन सैंडी लोम और सिमलर क्वान्टिटी ऑफ स्लैक्ड लाइम should be added to clay loam soil in a alkaline soil gypsum should be added at the same rate at least a depth of 25 to 30 cm of good soil is required for obtain a good lawn. फ्रेंड्स अगर हमारे लॉन का ph बहुत कम होता है तो लगभग आधा किलोग्राम चौक या ग्राउंडेड चूना पत्थर को रेतीली मिट्टी पर प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र के हिसाब से मिलाना चाहिए या एक समान मात्रा में इसलिए चूने को क्ले की दोमट मिट्टी में मिलाना चाहिए एक क्षारीय मिट्टी में जिप्सम की उसी मात्रा यानी कि 500 ग्राम प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र के हिसाब से मिलाना चाहिए एक अच्छा लॉन प्राप्त करने के लिए कम से कम 25 से 30 सेंटीमीटर अच्छी मिट्टी की गहराई की आवश्यकता होती है मतलब कि 25 से 30 सेंटीमीटर प्लांट्स की जो हमारे ग्रास हम ग्रो करेंगे लॉन में उसकी रूट्स उतने डेप्थ तक जाती है तो वो ईजिली जा सके इसलिए ऐसी 25 से, से 30 सेंटीमीटर डेप्थ वाली हमको सॉइल की आवश्यकता होगी कम टू दी नेक्स्ट स्लाइड फ्रेंड्स जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट वो है आइडियल पीएच ऑफ सॉइल फॉर लॉन आइडियल पीएच क्या होता है लॉन के लिए सॉइल का वो यहाँ पे आपसे पूछा जाता है तो इसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है इसमें से आपको एक ऑप्शन जो है वो सही है उसको च्वाइस करना होगा इसमें जो आप आपका पहला ऑप्शन है फोर पॉइंट जीरो से फाइव पॉइंट जीरो फाइव पॉइंट जीरो से फाइव पॉइंट फाइव है फिर फाइव पॉइंट फाइव से सिक्स पॉइंट जीरो है सिक्स पॉइंट जीरो से सेवन पॉइंट फाइव है तो फ्रेंड्स और जैसे कि अभी हम लोगों पीछे डिस्कस किया कि आइडियल सोइल पी एच इज फाइव पॉइंट फाइव टू सिक्स पॉइंट जीरो ठीक है तो यहाँ पे अगर आपसे एम MC, सी एम सी क्यू में क्वेश्चन पूछता है कि आइडियल सोइल पी एच क्या है तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी होगा 5.5 से 6.0 ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं बट नो वाटर शुड स्टिगनेट इन द रोड फ्रेंड्स जो ग्रास हम लोग अपने लॉन में लगाते हैं वो उथली जड़ यानी कि सैलो रूटेड होती है मतलब कम गहराई तक जाने वाली होती है इसलिए जो हम लोग जल निकास की व्यवस्था करते हैं वो कोई गहरी जल निकास की आवश्यकता नहीं पड़ती है लेकिन रूट जोन में इनका पानी नहीं रुकना चाहिए अगर रूट जोन में इनका पानी रुकेगा तो वहाँ पे हमारी ग्रासेस जो हैं वो खराब हो सकती हैं नेक्स्ट पॉइंट इज इन क्लेस सॉयल सम काइंड ऑफ ड्रेनेज मस्ट बी प्रोवाइडेड फ्रेंड्स क्ले मिट्टी जो होती है उसमें किसी प्रकार का जल निकास प्रदान करना चाहिए नेक्स्ट पॉइंट इज दिस मे बी डन बाई ड्रेनेज पाइप्स और By putting a layer of broken pieces of bricks and gravel 90 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस फैन जो होता है जल निकास के लिए पाइपों द्वारा या ईंटों के टुकड़े की जो एक परत होती है उसको 90 सेंटीमीटर नीचे बिछा दिया जाता है जिससे कि ड्रेनेज बहुत ही ईजली हो सकता है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट इज ऑर्डनरी ड्रेनेज वर्क कैन बी कैरिड आउट इन कंजक्शन विद ग्रेडिंग एंड लेवलिंग फ्रेंड्स जो ग्रेडिंग होती है और लेवलिंग इन दोनों के जरिए साधारण जल निकासी का काम किया जा सकता है फ्रेंड्स कम टू नेक्स्ट दाइक करेक्टर्स ऑफ लॉन लॉन्ग फ्रेंड्स जब हम लॉन ग्रासेस का सिलेक्शन करते हैं तो उस टाइम हम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ता है वो कौन कौन से पॉइंट है फर्स्ट इज इट शुड डेवलप क्यूकली फ्रेंड्स जो हमारी घास होता है उसका विकास जो होता है वो जल्दी होना चाहिए सेकेंड पॉइंट इज द ग्रास मस्ट बी कॉम्पैक्ट ग्रोथ मतलब कि घास का जो वृद्धि होता है वो कॉम्पैक्ट होना चाहिए नेक्स्ट पॉइंट इज इट शुड विद स्टैंड रेगुलर मोइंग मतलब कि हर नियमित कटाई छटाई के बाद भी इसको खड़ा रहना चाहिए इट्स शुड टॉलरेट कोल्ड एंड ड्रॉट मतलब कि इसमें शीत और सूखे दोनों को सहन करने वाली होनी चाहिए द ग्रास शुड बी सॉफ्ट टू टच एंड नॉट पैची मतलब कि घास जो होती है वो छूने में नरम होनी चाहिए और पैची नहीं होनी चाहिए नेक्स्ट पॉइंट इज शुड नॉट गिव फ्लो एंड बैड और मतलब कि जो घास होती है वो खराब गंध नहीं देनी चाहिए शुड लुक फ्रेश एंड रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर मतलब कि जो हमारी घास होती है वो ताज़ा दिखनी चाहिए और वर्ष भर हरी बनी रहनी चाहिए कम टू दैक्सलाइड मेथड ऑफ प्लांटिंग इफ इरीगेशन फैसिलिटीज एग्जिस्टेड अ लैंड कैन बी ले आउट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर अंडर इंडियन क्लाइमेट कंडीशन इट इज़ बेटर टू शो आफ्टर वन और टू मानसून सॉवर्स, वाइल द ग्रास रूट इज प्लांटेड एट द बिगनिंग ऑफ द मानसून फ्रेंड्स यदि सिंचाई की सुविधा मौजूद है तो वर्ष लॉन्ग को वर्ष के दौरान किसी भी समय बनाया जा सकता है भारतीय जलवायु परिस्थिति में एक या दो मानसून के बाद लगाना बेहतर होता है जबकि घास की जड़ जो मतलब हमारी कटिंग्स होती हैं ग्रास की तो उनको मानसून की शुरुआती में लगाया जाता है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट इज द डिफरेंट मेथड ऑफ स्टार्टिंग आर द सीडिंग डिबलिंग टर्फिंग टर्फ लास्टिंग एंड एस्ट्रो टर्फ आर यूज कम टू दैक्स्ट लाइफ फ्रॉम सीड्स इफ ग्रास कटिंग और रूट आर नॉट इजली अवेलेबल वन शुड गो फॉर द सीड्स इट इज इंपॉर्टेंट टू सिक्योर गुड क्वालिटी सीड्स फ्री फ्रॉम वीट सीड्स धूप ग्रास सीड इज अ वेरी लाइट एंड फाइन एंड प्रॉपर केयर शुड बी टेकन ड्यूरिंग सोइंग फ्रेंड्स लॉन लगाने के यदि घास की कटिंग या जड़ें आसानी से उपलब्ध नहीं होती हैं तो हमको लॉन को बीज की सहायता से बनाना चाहिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है कि खरपतवार के बीजों से अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों को सुरक्षित करना चाहिए जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है धूप घास का बीज बहुत ही हल्का होता है और बुआई के समय इसकी उचित देखभाल करनी चाहिए प्रायर टू सोइंग द सर्फेस वैन रिलेटिवली ड्राइड अप इट इज स्क्रेच टू अ डेप्थ ऑफ 2.5 पॉइंट फाइव सेंटीमीटर विद दी हेल्प ऑफ गार्डन रेक मतलब कि फ्रेंड्स जो हम बुआई करते हैं इससे पहले अगर सतह पर अपेक्षा का सूख जाती है तो बगीचे की रैकिंग यानी कि जो रैक आता है उसकी मदद से ढाई से सेंटीमीटर की गहराई तक खरोच किया जाता है जिससे कि हमारी जो मिट्टी होती है गार्डन सोइल वो एक भुरभुरी हो जाती है और जिसमें हम आसानी से सीड्स को सोइंग कर सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट इज द टोटल एरिया शुड बी डिवाइडेड इनटू इक्वल प्लॉट्स ऑफ 200 टू 300 स्क्वायर मीटर टू इंश्योर इवन सोइंग ऑफ सीड्स मतलब कि फ्रेंड्स जो हमारा टोटल तो क्षेत्र होता है उसको एक इक्वल भाग यानी 200 से 300 वर्ग मीटर के बराबर भूखंडों में विभाजित किया जाना चाहिए ताकि बीज की बुवाई को सुरक्षित या सरल बनाया जा सके द नेक्स्ट पॉइंट इज द स्विंग शुड बी प्रिफेबल अंडरटेकिंग ऑन द विंडलेस डे मतलब कि ऐसे दिन बुआई करनी चाहिए जिस दिन पवन रहित दिन होना चाहिए या हवा की गति जो होती है वो बहुत ही कम होनी चाहिए नेक्स्ट पॉइंट इज द सीड रेट फॉर लॉन मेकिंग इज टेन टू ट्वेल्व के जी पर एकर एंड ट्वेंटी फाइव टू थर्टी के जी प्रति हेक्टेयर और टू पॉइंट फाइव ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर एंड मिक्सड विद डबल द क्वान्टिटी ऑफ फाइनली सेव्ड स्वाइल एंड ब्रॉडकास्ट बाई हैंड फ्रेंड्स लॉन बनाने के की बीज की दर जो होती है दस से बारह किलोग्राम प्रति एकड़ होती है और पच्चीस से तीस किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और ढाई ग्राम पर मीटर स्क्वायर की रहती है इसमें बारिश छनी हुई मिट्टी की दुगनी मात्रा को लेकर इसमें बीज को मिला दिया जाता है और इसमें हाथ के द्वारा ब्रॉडकास्ट करके यानी छिड़कवा विधि से बोया जाता है

ब्रॉडकास्टिंग की उसके थ्रू भी कर सकते हैं तो इसमें पहली इमेज जो देख रहे हैं उसमें आप जो सीड हो रहा है वो हाथ से छिड़का विधि के द्वारा किया जा रहा है और सेकेंड इमेज जो देख रहे हैं वो हैंड स्प्रेडर है जिससे कि इसमें एक लीवर होता है जिसको दबाने से सीट बहुत दूर तक छिटक के जाता है ये एक टाइप की मशीन होती है जिसमें ऊपर सीट को भर दिया जाता है और नीचे सीट निकलता रहता है उसको खींचते रहते हैं हैंडल को और सीट छिड़कता रहता है अपने आप ये मशीन ये मैनुअली होती है लेकिन ये मशीन होती है इसलिए इससे थोड़ा जल्दी हो जाता है तो hmm. नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे कम टू नेक्स्ट स्लाइड सेकेंड पॉइंट इज डिबलिंग आफ्टर द लैंड इज रेडी वेल मेच्योर एंड अनूटेड एंड रूटेड ग्रास इज फ्रॉम अ क्लोज कट लॉन और नर्सरी और फ्रॉम अ लॉन स्क्रैपिंग फ्रेंड्स जो लॉन लगाने का लगा सेकंड वो डिबलिंग मैथड है इसमें भूमि को तैयार करने के बाद इसमें अच्छी तरह से परिपक्व मतलब कि मैच्योर जो ग्रासेस होती हैं जो अनरूटेड और रूटेड दोनों प्रकार से कटिंग को हम ऑप्टेन कर लेते हैं किसी लॉन्ग से या नर्सरी से उनको इस मेथड के द्वारा लगाया जाता है नेक्स्ट पॉइंट इज इज द द रूट और ग्रास आर डेबल्ड इन ग्राउंड इट स्लाइटली एट टू टेन सेंटीमीटर अपार्ट द इज कीप मोस्ट बाई फ्रिक्वेंटली वाटरिंग टिल द ग्राउस स्प्राउट्स फ्रेंड्स जब इस प्रकार की घासों या जड़ों को इस प्रकार से लगाया जाता है तब यह इनको थोड़ा नम कर लिया जाता है और फिर इसके बाद सात से दस सेंटीमीटर में इनको लगाया जाता है द सॉइल इज कीप्ड मॉइस्ट मतलब कि हमेशा सॉइल को नम रखना चाहिए जब तक कि ये स्प्राउट्स ना हो जाए इसलिए बार बार इरिगेशन प्रोवाइड करना चाहिए नेक्स्ट पॉइंट इज रूट ऑफ डूब ग्रास स्प्राउट इजली एंड द कटिंग और रूट रेडली अंडर मॉइस्ट कंडीशन एंड विद इन फाइव टू सेवन वीक्स द ग्रास विल बी रेडी फॉर फर्स्ट कटिंग बाई दिस मैथड अ लॉन विल बी रेडी इन अबाउट फोर मंथ मतलब की फ्रेंड्स जो इस मैथड होता है हमारा डीविलिंग इसके थ्रू जो धूप घास की जड़ें होती है वो आसानी से उगाती हैं और नम स्थिति के तहत यानी कि जो न मॉस्ट कंडीशन होती है उसकी वजह से कटिंग और आउटसूट्स में आसानी से जड़ें निकलाती हैं और पाँच से सात सप्ताह के अंदर हमारी पहली कटिंग के लिए घास रेडी हो जाती है इस तरह से इस विधि से जो लॉन तैयार होता है उसको कम से कम तैयार होने में एक महीने का समय लग जाता है फ्रेंड्स कम टू द नेक्स्ट लाइफ टर्फिंग द क्यूकेस्ट एंड इंस्टेंट मैथड ऑफ डेवलपिंग अ लॉन इज बाई टर्फिंग बट द कॉस्ट इज प्रोटिव इट इज ऑल्सो नोन एज सॉ फ्रेंड्स जो टर्फिंग होती है वो लॉन विकसित करने की सबसे तेज और तुरंत विधि होती है इसके द्वारा लॉन को कुछ ही समय में तैयार किया जा सकता है जो लेकिन टर्फिंग जो होती है वो एक लागत निषेधात्मक होती है और इसे सोडिंग के रूप में भी जाना जाता है नेक्स्ट पॉइंट इज टर्फिंग इज अ पीस ऑफ अर्थ ऑफ अबाउट फाइव सेंटीमीटर थिकनेस विद ग्रास थिकली grown ओवर इट फ्रेंड्स जो टर्फ होती है वो लगभग पांच सेंटीमीटर मोटी एक धरती का टुकड़ा होता है जिस पर मोटे तौर पर घास उगती है मतलब कि ऊपर की जो सतह होती है उसको पांच सेंटीमीटर तक कट कर लिया जाता है नेक्स्ट पॉइंट इज द पीसेस मे बी स्मॉल स्क्वायर और इन रोल स्मॉल वेद मतलब कि जो पीसेस होते हैं टर्फिंग के वो स्क्वायर शेप में भी हो सकते हैं या उनका एक छोटी छोटा रोल भी बना के तैयार किया जा सकता है जिसकी चौड़ाई 30 सेंटीमीटर या इससे अधिक हो सकती है नेक्स्ट पॉइंट इज द टर्फ मस्ट बी फ्री फ्रॉम वीड एंड कंसीडर्ड ऑफ द रिक्वायर्ड लॉन ग्रास फ्रेंड्स टर्फ को खरपतवार से मुक्त होना चाहिए और आवश्यक लॉन घास से प्रयुक्त यानी युक्त होना चाहिए फ्रेंड्स जो यहाँ खरपतवार वर्ड आ रहा है खरपतवार वर्ड से ये कहना है कि जैसे हमने दूब घास लगाई है उसके अलावा अदर कोई घास अगर हमारे लॉन के अंदर उग आएगी या अदर कोई भी घास हमारे लॉन के अंदर आ जाती है तो उस घास को हम लोग खरपतवार यानी कि वीड मानते हैं ठीक है जो हमारी मेन क्रॉप है वो हमारी दूब घास रहेगी और उसके अलावा जो भी अदर कोई घास उगेगी उसके अंदर वो हमारी खरपतवार यानी कि वीड होगी कम टू नेक्स्ट पॉइंट दिस शुड बी लेट closely to each other in a hounded alternate pattern like bricks in a wall in a already prepared ground मतलब कि फ्रेंड्स जो ग्रासेस होती हैं उनको हमें ऐसे पैटर्न लगाना चाहिए आपने एक जाली नुमादार देखी होगी एक ईट रखी जाती है और एक ईट नहीं रखी जाती फिर एक ईट रख के उसके ऊपर एक ईट रख दी जाती है तो मतलब पूरी दीवार में छेद नुआ बन जाते हैं और दीवार भी हमारी वैसी बन जाती है तो उसी तरह का हमको यहाँ ग्रास को ग्रो करने का पैटर्न अपनाते हैं कि एक जगह खाली रखते हैं तो अल्टरनेट पैटर्नस पर हम ग्रास को ग्रो करते हैं जिससे कि एक जल्दी ही समय में वो हमारी जो होती है वो पूरी तरह से कवर कर लेती है

फ्रेंड्स ये हमारा लॉन लगाने का चौथा मेथड है इसमें जो ए, एक पेस्ट को प्रिपेयर किया जाता है जिसमें गार्डन सोयल काउडंक और वाटर को और सीड्स को मिक्स करके एक पेस्ट तैयार किया जाता है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट इज बाइट्स ऑफ चॉप्ड अप फ्रेश रूट्स एंड स्टेम और राइजम्स ऑफ धूप ग्रासेस आर मिक्सड विद दिस पेस्ट एंड द पेस्ट इज सेपरेट इवनली ऑन द सर्फेस ऑफ द प्रिपेयर ग्राउंड आफ्टर मॉइस्चरिंग द सोइल फ्रेंड्स इसमें धूप घास के कटे फटे फ्रेश रूट्स और स्टेम्स को या राइजूम्स को इस पेस्ट के अंदर मिक्स कर लिया जाता है और फिर इसको मिट्टी को नम करने के बाद इसमें जमीन की सतह पर इनको समान रूप से फैला दिया जाता है नेक्स्ट पॉइंट इज द पेस्ट इज देन कवर्ड बाई स्प्रेडिंग टू सेंटीमीटर ऑफ ड्राई सॉइल एंड वाटर एट रेगुलर इंटरवर दिस मैथड इज वेरी सुटेबल स्पेशली इन ड्राई एंड वेरेबल क्लाइमेट मतलब फ्रेंड्स इसमें जब इस तरह के पेट्स को लगा लिया जाता है तो इसके ऊपर दो सेंटीमीटर सूखी मिट्टी को फैलाकर और नियमित रूप से इसमें पानी दिया जाता है जिससे ये मॉश हो सके और विधि विशेष रूप से सूखे और परिवर्तनशील जलवायु में बहुत ही उपयोगी नहीं होती है फ्रेंड्स अब जो ये आप इमेज देख रहे हैं इस टाइम स्क्रीन पे ये एक हाइड्रोसीडम मशीन की है फ्रेंड्स ये एक जैसे हमारे यहाँ सीमेंटेड वाले ट्रक्स नहीं होते उसी टाइप का इसमें एक टैंक बना होता है जिसमें इसमें सेपरेट सेपरेट वाटर फर्टिलाइजर और सीड्स को डाल दिया जाता है और फिर इसके अंदर जो मशीन लगी होती है वो एक पेस्ट तैयार करती है और फिर उसके अंदर जैसे फायर ब्रिगेड में एक फबारे टाइप का एक नोज़ल लगा रहता है इसी टाइप से इसमें भी नोज़ल लगा रहता है और ये उन एरियाज में लार्जेस्ट एरिया में जब जहाँ पर ग्रास ग्रो किया जाता है इसका मेनली जो यूज़ होता है फ्रेंड्स जब हमारे जंगलों में आग लग जाती है फ्रेंड्स जो फायर हो जाता है जब हमारा जंगल पूरी तरह से बर्न हो जाता है तो वहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं रह जाता जिससे कि हमारी घास और पैदा हो सके तो उस टाइम पे इस हाइड्रोसीडर ट्रक का यूज किया जाता है ये जंगलों में जाके पूरा पेस्ट का छिड़काव कर देता है जिससे कि उसमें फर्टिलाइजर भी होता है फर्टिलाइजर की मदद से जो हमारा सीड होता है वो ग्रासेस का जम जाता है और वहाँ पे एक बार फिर से ग्रीनी मेंटेन हो जाती है जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं है, ये कोई फॉरेस्ट है जहाँ पे आग लगी थी या कुछ भी ड्राई हो गया है ये पूरा वहां पे ये देखिए ग्रीन कलर का पेस्ट का पूरे तरीके से छिड़काव कर रहे हैं तो इसका लार्जेस्ट एरिया लार्जेस्ट स्केल पे बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है कम टू दाइड एस्ट्रोट टर्फ इज एन अमेरिकन सबसिडनरी दैट प्रोड्यूस आर्टिफिशियल टर्फ फॉर प्लेइंग सरफेस इन स्पोर्ट्स नेक्स्ट पॉइंट द ओरिजिनल टर्फ प्रोड्यूस वॉज अ शॉर्ट पाइल सिंथेटिक टर्फ सिंथेटिक लॉन प्रॉपरली used in developing countries in roof garden and cricket stadium artificial turf was first installed in 1964 on a recreation area at the Moses Brown School in Providence of Rhode Island the material came to public prominence in 1966 when astroturf was installed in an astrodrome in Houston Texas फ्रेंड्स जो एस्ट्रोटर्फ है वो एक अमेरिकी सहायक कंपनी है जो खेल में सतहों को खेलने के लिए कृत्रिम टर्फ का उत्पादन करती है मूल एस्ट्रोटर्फ उत्पाद एक शॉर्ट पाइल सिंथेटिक टर्फ था छत के बगीचों और क्रिकेट स्टेडियम में विकासशील देशों में सिंथेटिक लॉन का उपयोग किया जाता है कृत्रिम टर्फ पहली बार 1964 में रोड आइसलैंड के प्रोविडेंस में मोसेस ब्राउन स्कूल में मनोरंजन क्षेत्र में स्थापित किया गया था यह सामग्री 1966 में सार्वजनिक रूप से मुख्यता में आई जब एस्ट्रोटर्फ को ह्यूस्टन टैक्स में स्थापित किया गया फ्रेंड्स जो हमारा एस्ट्रोटर्फ है वो नाम इसी एस्ट्रोटर्फ कंपनी ने ही दिया है इसमें जो होता है सिंथेटिक मटेरियल यूज किया जाता है आर्टिफिशियल ग्रास ऑफर्स मैनी बेनिफिट्स फॉर द कंज्यूमर इट्स सेव बोथ मनी एंड टाइम एंड इज एन एक्सलेंट लैंडस्केपिंग ऑप्शन नेचुरल ग्रास रिक्वायर फिफ्टी फाइव गैलन ऑफ वाटर पर स्क्वायर फीट एनुअली हाउ एवर आर्टिफिशियल ग्रास डज नॉट रिक्वायर्ड एनी वाटर फ्रेंड्स आर्टिफिशियल घास उपभोक्ताओं के लिए कई प्रकार का लाभ प्रदान करती है यह पैसा और समय दोनों को बचाता है और एक उत्कृष्ट भू निर्माण विकल्प है प्राकृतिक घास को प्रति वर्ग फीट पचपन गैलन पानी की आवश्यकता होती है हालांकि आर्टिफिशियल घास को किसी भी प्रकार की पानी की आवश्यकता नहीं होती है रियल ग्रास कैन डाई आर्टिफिशियल ग्रास कैन लास्ट ट्वेंटी और मोर ईयर क्रिएटिंग अ फॉर एवर लान फ्रेंड जो हमारी रियल ग्रास होती है वो कुछ समय बाद मर जा सकती है कृत्रिम घास यानी कि हमारी जो आर्टिफिशियल uh, घास होती है वो 20 या इससे अधिक वर्षों तक हमेशा के लिए बनी रहती है इसलिए इसको फॉर एवर लान के नाम से भी जाना जाता है द गुड थिंग अबाउट इट इज दैट वन इट इज इंस्टॉल्ड इट इज़ ऑलवेज बी ग्रीन मतलब कि इसका सबसे बढ़िया बात तो ये जब यह एक बार इंस्टॉल कर दी जाती है ग्राउंड में तब तो से लेके अपने इंडिंग सर्वर लाइफ यानी 10 से 20 साल तक यह सेम कलर में ग्रीन कलर में बनी रहती है लास्ट पॉइंट इज लान कैन नेबर बी ओवर ग्रो और डबलप्ड ब्राउन स्पॉट्स मतलब कि इस तरह के आर्टिफिशियल लान कभी भी ओवर ग्रोथ नहीं करता है कोई ग्रोथ नहीं होती है इनमें और इसमें जो डवलप ब्राउन स्पॉट जो हमारे नॉर्मल ओरिजिनल लॉन्स में होते हैं वो इसमें कभी भी ब्राउन स्पॉट्स या येलो स्पॉट्स नहीं आते हैं कम टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लगिंग यूजली स्मॉल प्लग्स और ब्लॉक्स ऑफ सोड टू प्लांट इन होल्स अबाउट वन फुट अपार्ट वेरी टाइम कंज्यूमिंग बट इट इज यूज फॉर मैनी वार्म सीजन ग्रासेस दैट आर प्रोड्यूस पुअर सीड फ्रेंड्स प्लगिंग एक जो मैथड है वो हमारा एक लान का रिपेयरिंग का मैथड है इसके अंदर जो हम प्रिपरेशन करते हैं जब हमारा मेन लॉन लगा लगाया लॉन होता है जिसमें हमारी वेल प्रिपेयर मेच्योर्ड ग्रास लगी हुई होती है वहाँ पे कुछ पार्ट्स में हमारे थोड़ा प्रॉब्लम आ जाती है या वहाँ पे जो ग्रास होती है वो ड्राई हो जाती है येल्लो हो जाती है या वहाँ पे डेड हो जाती है हमारी ग्रास तो वहाँ पे उस पार्ट्स को निकाल के इस एक प्लाट को तैयार करके इस तरह से प्लगिंग मेथड के थ्रू वहाँ पे उसको वहाँ पे पेस्ट कर दिया जाता है ठीक है तो इस प्रोसेस को हम जो कहते हैं वो प्लगिंग कहते हैं ये मोस्टली रिपेयर्स करने के लिए यूज किया जाता है फ्रेंड्स यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि जब आपसे कोई को एग्जामिनर क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि लॉन का रिपेयरिंग मेथड कौन सा होता है तो फ्रेंड्स जैसा कि आपने अभी आगे पढ़ा सीट से एस्ट्रोटर्फ से एस्ट्रो से और तमाम मेथड डिबलिंग विबलिंग के तो उनसे जो होता है वो हमारा लॉन जो होता है वो स्टेब्लिश होता है बट जो रिपेयर की बात आएगी तो हमारा प्लगिंग मैथड जो है ठीक है वो हमारा इसमें रिपेयरिंग मेथड में यूज किया जाता है तो आपको ये बात याद रखनी है अगर रिपेयर पूछेगा तो वहां पे आपको प्लगिंग मेथड बताना पड़ेगा इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको प्लगिंग मेथड के बारे में बता रहा हूँ फ्रेंड्स यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है विच आर फॉलोइंग मैथड ऑफ लॉन मेकिंग इज द मोस्ट एक्सपेंसिव मैथड मैं लॉन मेकिंग का सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव मेथड कौन सा है तो यहाँ पे आपको आंसर देना है कि कौन सा मेथड सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आंसर है वो टर्फिंग है कि टर्फिंग जो है सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव मेथड है फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच आर फॉलोइंग इज क्यूकेस्ट मेथड ऑफ डेवलपिंग अ लॉन लॉन डेवलपमेंट का सबसे ज्यादा क्यूकेस्ट मेथड कौन सा है तो जी हाँ यहाँ पे भी जो आंसर है वो हमारा टर्फिंग ही है टर्फिंग के थ्रू हम कुछ ही समय में एक लॉन तैयार कर सकते हैं तो जो हमारा क्यूकेस्ट मेथड है वो है टर्फिंग अब बात करेंगे हम सिलेक्शन ऑफ ग्रासेस की फ्रेंड्स तो मैंने जो करेक्टर्स होते हैं उसके बारे में आगे मैंने डिस्कस कर लिया था कि किस तरह के करेक्टर्स की ग्रासेस होनी चाहिए तो अब यहाँ पे जो हम ग्रास सेलेक्ट करते हैं वो उनके हमारे सीजन्स के अकॉर्डिंग करते हैं तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो हमारा इन द केस ऑफ़ सेलेक्शन ऑफ ग्रासेज डिवाइडेड इंटू थ्री ग्रुप्स फर्स्ट इज़ कूल सीजन ग्रासेस सेकेंड इज वार्म सीजन ग्रासेस एंड थर्ड इज रसिस्टेंट टू वियर मतलब कि कुल cool सीजन में कौन सी ग्रास हमारी ज़्यादा अच्छी रहती है और वार्म सीजन में हमारी कौन सी ग्रास सबसे अच्छी रहती है और रसिस्टेंट टू वियर से मतलब ये होता है जब हम पार्क का डेवलपमेंट करते हैं ठीक है कोई हमने पार्क खोला है कोई पर्सनल लॉन नहीं है हमारा होल लॉन नहीं है अगर हमारा वो पार्क है या गार्डन है या हमारा स्टेडियम है ठीक है तो वहाँ पे क्या होता है वहाँ पे पब्लिक आती है ट्रैफिक आती है तो उसके बारे में कौन सी उसको टॉलरेट करने के लिए कौन सी ग्रासेस हमारी यूज करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स कम टू दैक्स लाइट कूल सीजन ग्रासेस कूल सीजन ग्रासेस स्टार्ट ग्रोथ एट फाइव डिग्री सेंटीग्रेड एंड ग्रो एट दियर फास्टेस्ट रेट वैन टेम्परेचर आर बिटवीन टेन डिग्री सेंटीग्रेड एंड ट्वेंटी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड इन क्लाइमेट दैट हैविंग रिलेटिवली कूल समर विद

बढ़ने पर उनकी सबसे तेज दर से बढ़ते हैं बसंत और शरद ऋतु में तेजी से विकास के दो समय के साथ अपेक्षाकृत हल्का और ठंडा ग्रीनकाल में अत्यधिक ग्रोथ करते हैं वे अत्यधिक ठंड में अपने रंग को अच्छी तरह से बनाए रखते हैं इस प्रकार की घासें बहुत ही अच्छा ग्रीनरी कारपेट को प्रिपेयर करती हैं इसमें ब्लू ग्रास बैंड ग्रास रे ग्रास फेस क्यूज फैदर रीड ग्रास और टफ्ड हेयर जैसी ग्रास को लगाया जाता है जो कि देखने में बहुत ही अच्छी लगती हैं फ्रेंड्स कम टू डी नेक्स्ट स्लाइड वार्म सीजन ग्रासेस वार्म सीजन ग्रासेस ओनली स्टार्ट ग्रोथ एट टेम्परेचर अब टन डिग्री सेंटीग्रेड एंड ग्रो फास्टेस्ट वैन टेम्परेचर आर बिटवीन ट्वेंटी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड एंड थर्टी डिग्री सेंटीग्रेड विद वन लॉन्ग ग्रोथ पीरियड ओवर द स्प्रिंग एंड समर दे आफ्ट गो डॉर्मेंट इन कूलर मंथ टर्निंग सेट्स ऑफ टेन और ब्राउन Many warm season grasses are acutely dormant tolerant and can handle very high temperature. All through temperature below 15 degrees centigrade can kill most southern ecotype warm season grasses. The northern varieties, such as buffalo grass and blue grass, are hardly to 45 degrees centigrade. Warm season grass cable thus degree. सेंटीग्रेड से ऊपर के तापमान में वृद्धि करती है और सबसे तेजी से वृद्धि करती है जब तापमान 25 डिग्री से 35 डिग्री के बीच होता है बसंत के दौरान एक लंबी अवधि के साथ गर्मी में इसका ग्रोथ अच्छा होता है ये ठंड के महीनों में निष्क्रिय यानी डोरमेंट में चली जाती हैं या भूरे रंग में बदल जाती हैं जिनका कलर चेंज हो जाता है जो कि बदलने के बाद भूरे रंग का हो जाता है यह ग्रासें बहुत ही उच्च गर्मी के तापमान को संभाल सकती हैं हालांकि 15 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे तापमान जाने पे दक्षिणी की जो वैरायटीज होती हैं वह बहुत ही डॉर्मेंट में चली जाती हैं या निष्क्रिय हो जाती हैं जबकि उत्तरी की किस्म जैसे बुफेलोग्रास और ब्लू गामा और हार्डली 245 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब कि ये पैंतालीस पे, डिग्री सेंटीग्रेड के भी तापमान में हरी बनी रहती हैं और ये अपने आप को सेफ रखी रहती है इसकी जो घासें हैं वो है जोसिया ग्रास वर्मुडा ग्रास सेंट अंगस्टाइन ग्रास बाहिया ग्रास सेंटीपेड ग्रास कारपेट ग्रास बुफेलो ग्रास गामा ग्रास और की क्यू ग्रास आदि शामिल हैं। कम टू स्लाइड, फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने कुछ ग्रासेस के इमेज देख लिए हैं जिनको आप देख के आप ग्रासेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं फ्रेंड्स कम टू स्लाइड रसिस्टेंट रसिस्टेंट टू बिहेव एंड रसिस्टेंट टू ड्रॉप फ्रेंड इसमें हम दो तरीके से ग्रासेस के बारे में जानेंगे कुछ ग्रासेस जो होती हैं हमारी ट्रैफिक टॉलरेंट्स को होती है और कुछ ग्रासेस हमारी ट्रैफिक को इनटॉलरेट करते हैं जिसमें ट्रैफिक टॉलरेंट ग्रासेस में कूल सीजन में हमारी जो होती है टाल फेस्क्यू होती है जो कि हमारी सबसे ज़्यादा ट्रैफिक को बिहेव करती है डैमेज कम होती है ठीक है उसमें वार्म सीजन में हमारा बाहिया होती है और बरमुडा ग्रास ठीक है ये जो ग्रासेस हैं ये सबसे ज़्यादा ट्रैफिक को टॉलरेट कर सकती हैं मतलब कि इनमें ये इनको पार्क्स में आप लगा सकते हैं या गार्डन्स में लगा सकते हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लोग आते जाते हैं आप तो उसमें ये उसके ट्रैफिक जो आता है उसको टॉलरेट कर लेती है और जहाँ पर ट्रैफिक इंटॉलरेंट की बात आएगी तो वहाँ पर सेंट अंगस्टाइन ग्रास होती है बहुत ही सॉफ्ट ग्रास होती है अगर इसके ऊपर ट्रैफिक ज़्यादा आता है तो ये डैमेज हो जाती है और ये ख़त्म हो जाती है ठीक है उसके बाद हम बात करें, रेसिस्टेंट टू ड्रॉट की तो इसमें हाईली सुटेबल फॉर सेडी एरिया मतलब जहाँ पे छाया ज्यादातर रहती है उस एरिया की बात करें तो वहां पे जो सबसे ज्यादा सुटेबल ग्रासेस होती है वहां पे सेंट अंगस्टाइन होती है बुफेलो होती है कैंटू होती है ब्लू ग्रास होती है इनको आप लगा सकते हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा छाया रहती है जोसिया स्पीसीज आर प्रिफेली फॉर ओपन सनी सिचुएशन मतलब कि जहाँ पे एकदम ओपन एरिया होता है वहाँ पे जोसिया ग्रास को लगा सकते हैं ये वहाँ पे बहुत ही अच्छी ग्रोथ करती है फिर उसके बाद जो थर्ड पॉइंट आता है वो हमारा है क्यूक्यू ग्रास सुटेबल फॉर एसिड सॉइल एंड हाईली एलिवेशन फ्रेंड्स क्यू क्यू ग्रास जो होती है वो एसिडिक सॉयल के प्रति और ऊंचे स्थानों पर सुटेबल होती है ग्रोइंग के लिए तो वहाँ पे इसको ग्रो करते हैं फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही उसके बाद अगले मिलते हैं इसके लॉन के पार्ट टू में जहाँ पे हम मैनेजमेंट की बात करेंगे कि लॉन का मैनेजमेंट किस तरह से किया जाता है तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें कमेंट करें शेयर करें अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो पक्का कमेंट करें मैं कोशिश करूंगा आपके कन्फ्यूजन्स को दूर करने का तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय